हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्प्रिंट्स में। एंड करेंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज के चार टॉपिक ये रहे हैं। ओके, तो 122 मिलियन डॉलर की घोषणा की गई भारत को, ये किसने दिया देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे अमेरिका ने क्या किया है, भारत को बीमारियों के खतरे से लड़ने के लिए 122 मिलियन डॉलर की राशि जो है वो दी है। और ये देखिए, एक फंड होता है एक तरह का, एंड एड को कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये अक्सर बड़े देश छोटे देशों को देते रहते हैं, लेकिन इंडिया ने जो काम किया है कोविड के दौरान, तो इसी को देखते हुए ये फंड दिया गया है भारत को। ये एड के रूप में होगा, कोई लोन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कोई लोन नहीं होता इसकी वजह से। एंड ये दिए जाते हैं जो भी देश, या तो गरीब देशों को दिया जाता है या फिर जो बहुत ही अच्छा करते हैं। तो भारत, अभी देखिए भारत का जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि इंडिया ने इतना अच्छा काम किया है। एंड ये पैसा जो है वो तीन संस्थाओं को जाएगा मेनली, जिसमें देखिए पहला है ICMR, ओके, एंड दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, एंड तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ओके, तो ये तीनों संस्थाएँ 5 साल में ये पैसा पाएंगी, और रिसर्च पे मेनली ये पैसे खर्च किए जाएंगे। एंड जो डी रिसर्च से बेनिफिट होगा उसका पूरी दुनिया को लाभ तो मिलेगा ही। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पे केरल के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि केरल को एशिया में, ऑल ओवर द एशिया में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, एंड ये जो रिपोर्ट होती है वो जारी करती है स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के द्वारा। ओके, एंड इसके अलावा बेंगलुरु शहर को ध्यान रखिएगा कि बेंगलुरु शहर को 22वां रैंक प्राप्त हुआ है शहरों के मामले में। ओके, एंड पिछले साल जो केरल का रैंक था वो चौथा था टोटल एशिया में, एंड अभी इसको मिल गया है पहला स्थान। और ध्यान रखिएगा, इस समय भी जो ग्लोबल स्तर पे हम देखें तो जो केरल है उसको मिला है चौथा स्थान। तो ध्यान रखिएगा, नंबर वन के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब अगला है देश में बांध सुरक्षा को लेकर, ठीक है। तो अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि भारत में वर्तमान में करीब 5,334 बांध मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम पानी को रोकते हैं और उनको रिजर्व करते हैं। अभी फिलहाल भारत में करीब 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण किया जाता है हर साल। ओके, तो कभी कभी ये होता है, अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं कि किसी साल बारिश कम हुई थी, क्षमता से कम पानी को भंडारण किया गया, किसी दिन किसी साल ज़्यादा हो गया बारिश, तो उसकी वजह से अधिक भंडारण कर पाती है गवर्नमेंट। एंड अभी फिलहाल ये है कि 411 जो बांध हैं वो अभी भी निर्माण के दौर में हैं। ओके, तो अभी भी बांध बनाए जा रहे हैं और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा भंडारण किया जाना अभी भी चल रहा है। ओके, एंड महाराष्ट्र को देखें तो बांधों के मामले में नंबर वन पे है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र क्यों ऐसे है, देखिए महाराष्ट्र में बहुत सारा उसका रीजन जो है वो हिली रीजन है। ओके, पहाड़ हैं, छोटे मोटे पहाड़ भी हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे बांध बनाना काफ़ी आसान है। और ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र सबसे बड़े राज्यों में भी है। ओके, बहुत बड़े राज्य है, बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, तो इस वजह से इसके पास सबसे ज़्यादा बांध है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का था है स्थान, और तीसरे नंबर पे है गुजरात का स्थान। ओके, एंड अभी फिलहाल 80% कहा जा रहा है जो बांध है वो 25 साल से पुराने हो गए हैं, और 227 बांध तो ऐसे हैं जो 100 साल से भी पुराने हैं। तो इन पे लगातार खतरा बढ़ना रहता है बाढ़ वगैरह का, कि कहीं वो बांध टूट ना जाए। इससे क्या होगा कि जो जहाँ पे आम जन रहते हैं वहाँ पे तेज़ी से पानी कभी कभी आ जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। तो अभी बाढ़ों को देख जो बांध हैं उनके देख रेख और सुरक्षा की चिंता फिलहाल विषय बनी हुई है। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये पहले नंबर पे कौन है, दूसरा और तीसरे नंबर पे कौन है। ओके, एंड 5G से स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है वो शुरू हो गई है, एंड इस साल जुलाई में ये ख़त्म होगा करीब। और ध्यान रखिएगा कितना मेगाहर्ट्ज़ के हैं ये सारे जो स्पेक्ट्रम है, तो 600 से शुरू हो रहा है और जा रहा है ये करीब 26 GHz तक। तो ध्यान रखिएगा, जो 4G स्पेक्ट्रम था वो भी 700 से लेके 2500 MHz के थे, लेकिन यहाँ पे 5G में भी वो चीज़ें दिख रही हैं, यानी कि 600 MHz, 700 MHz, 800, 900, 1800, 2100 और 2300 MHz के यहाँ पे भी स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी इस पे हिस्सा लेगा, अब वो 4G वाले जितने भी स्पेक्ट्रम हैं, पिछले साल तक वो नीलाम हुए थे 2021 तक, पर हर साल इनको पैसा देना पड़ता है स्पेक्ट्रम के लिए। तो ये सारा इनका 4G का जो होगा इस साल ख़त्म हो जाएगा। अब जो भी होगी कंपनियां, जो भी कंपनियां होंगी वो 5G स्पेक्ट्रम ही खरीदेंगी और फिर यही स्पेक्ट्रम यूज करेंगी जो निम्न लेवल के होंगे। ठीक है, कई लेवल पे बांटा जाता है, तो जो निम्न लेवल का होगा उसमें भी वही स्पेक्ट्रम होगा जो 4G में यूज होता था, जैसे कि 600 से लेकर 700 से लेकर 2500 तक। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि 5G में यूज होगा 3300 MHz का मध्यम गति का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसके अलावा बहुत ही ऊंची गति का जो स्पेक्ट्रम है इसमें 26 GHz का, वो भी यूज होगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा फायदा बेनिफिट मिलेगा जो हमारे नए सेक्टर आने वाले हैं बिजनेस के लिए, या फिर जो भी आपको यूज करना है, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, कृषि सेक्टर में, ऊर्जा में, और इसके अलावा मशीन से मशीन लर्निंग जो बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी फायदा करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उद्योग 4.0 जिसको कहा जा रहा है, कि हम उद्योगों को नए स्तर पर लेके जाएंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। उसके अलावा ध्यान रखिएगा अभी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होती हैं या फिर जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलती हैं, आपने देखा होगा टेस्ला कारें जो जिस प्रकार से ऑटोमेटिक चलती हैं, उसको चलाना नहीं पड़ता, उन सब चीज़ों के लिए हमें 5G टेक्नोलॉजी पर जाना ही पड़ेगा। ओके, और ये जो 5G टेक्नोलॉजी होगी वो 4G से करीब 10 गुना ज़्यादा तीव्र होगी। एंड इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि कुछ डेटा भी दिया गया जिसमें कहा गया कि 2014 में करीब 10 करोड़ ग्राहक थे ब्रॉडबैंड यूज करने वाले। अब क्या हुआ कि लगभग 80 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं ब्रॉडबैंड, तो ब्रॉडबैंड की भी संख्या बढ़ी है। उसके अलावा जो मोबाइल से लोग यूज करते हैं उसकी भी संख्या बढ़ी है, एंड ये सब चीज़ें काफ़ी सहूलियत देंगी आने वाले समय में भारत को। तो अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू।